पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने से पहले क्या देश में कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहते हैं अमित शाह? उस रिपोर्ट में ऐसा क्या होगा जो अगले 30 दिन के अंदर आने वाली है? जिसका इंतजार पूरे देश को था, वो कॉमन सिविल कोड बहुत जल्द ही लागू होने जा रहा है। उधर पूरा विपक्ष मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी कर रहा था और इधर मोदी शाह ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर जाति का क्यों ना हो। यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर धर्म जाति के लिए एक जैसा कानून होगा। इस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के लिए संविधान एक है, लेकिन कानून अलग अलग है। अभी भी भारत में रहने वाला मुस्लिमों का एक तबका शरिया कानून को समर्थन करता है, लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे सहित सजा का प्रावधान भी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक जैसा हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहा है। मोदी शाह इसे जल्द से जल्द हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था। उत्तराखंड की भाजपा सरकार पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में बहुत जल्द ही पूरे देश में लागू होने वाला है, लेकिन इसका विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। विरोध करने वालों में सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोग शामिल हैं, क्योंकि इस कानून के आने के बाद भारत में शरिया कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून भी लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में मोदी सरकार ने कोर्ट को बताया है कि संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार को दायित्व देता है। मतलब मोदी शाह को अब इसे लागू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। संसद में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए विपक्ष चिल्ला तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ने आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधि आयोग ने आम जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थान के साथ साथ संगठनों से भी एक महीने के अंदर इस मुद्दे पर राय मांगी है। मतलब 2024 से पहले मोदी सरकार में पूरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो कश्मीर से धारा 370 और राम मंदिर के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा फैसला होगा। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार इस कानून को एक साथ नहीं बल्कि शुरुआत में देश के कुछ राज्यों में लागू करना चाहती है। शुरुआत में जिन राज्यों में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाएगा उसमें उत्तराखंड, यूपी और असम हो सकते हैं। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाएगी। फिलहाल देसाई कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठक कर रही है। करीब 2.5 लाख सुझाव मिले थे जिसका अध्ययन करके ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन अब इसी बीच लॉ कमीशन ने 30 दिन के अंदर ही आम जनता और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है और मोदी सरकार इस मुद्दे को फिर से तेजी से उठाएगी। अगर अगले एक साल के अंदर ये कानून लागू होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा। वैसे आप क्या लगता है, क्या देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए या फिर नहीं लागू होना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।